अलकुम रूस टॉक के साथ अन मकसूद आपकी खदमत में अगर हम बात करते हैं मुग़लों की तो मुग़लों का दौर आखिर सियासी समाजी और माशी एतबार से जवाल का ज़माना था मगर हम बात करते हैं इल्म अदब की तो ये दौर एक रोशन दौर था जौक मोमिन, शेफ्ता इन लोगों की वजह से इल्म अदब की महफिलों में जान थी गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर गालिब की नसर की बात हम करते हैं तो बहुत से लोग कहते कि इससे अच्छी नसर उन्होंने नहीं पढ़ी एक साहब है, उनका कहना यह है कि इतना कम लिखने वाला उर्दू का सबसे बड़ा शायर कैसे हो सकता है आपने गालिब पर पीएचडी की मगर वो डिग्री नहीं मिली आपको यूनिवर्सिटी ने वापस कर दी गालिब को बहुत जानते हैं आज पे आप ही मेरे मेहमान हैं सलाम तुमने तारीफ में मेरी कसर नहीं उठा रखी आई नो गालिब मोर मोरदन जोक देन बहादुर शाह जफर जाहिलों ने क्या क्या मतलब निकाल लिए हैं हैंब के शेर के सब गलत मोना डार्लिंग मेरा नाम मोना नहीं है जी नखसू माफ करना एक थी एक कहानी मोना की कम वक्त पीटर के साथ में फरार हो गई खैर पूरे प्रोग्राम में हो सकता है मैं तुम्हें यही कह के मुखातब करूं अब तक वो अगर होती तो कुछ ऐसी ही लगती तो मैं कह रहा था गालिब के बारे में मोना डार्लिंग गालिब के शेर के जितने भी मतलब निकाले सब गलत जो कुछ गालिब अपनी जाति जिंदगी में करते थे हाय 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 हाय, वही शेरी शक्ल में ढाल दिया करते थे देखो पीटर अब मेरा मतलब है मैं तुम्हें यह कहता हूं कि गालिब की शायरी में ना फलसफा था और ना गहराई प्लेन शायरी थी बिल्कुल लेकिन थी बहुत जबरदस्त आपने गालिब के लिए पीएचडी भी की थी मतलब आपने पेपर लिखा था मगर वो मंजूर नहीं हुआ क्या बताऊं मोना डार्लिंग जाम यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी थीसिस में पल्ला रख के मेरे सामने दूसरों को पेश कर दिया आपको कैसा लगा मुझे बहुत बुरा लगा थोड़ा सा भला भी लगा बकल गालिब वो क्या है पुरखार देखकर बहुत खूब मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमजोर है लेकिन शेर तमाम याद है, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं अनवर कि अगर उस जमाने में अंग्रेज अगर पल्ला मछली खा लेते तो यकीन जानो मोना डार्लिंग कि वो चमचे से खाते कांटों को भूल जाते दाएं गाल में छोटा सा मछली का पीस और बाएं गाल में दो तो हजार कांटे लेकिन वेरी टेस्टी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ छह महीने पहले मैंने खाई थी लेकिन मोना डार्लिंग कांटे अभी तक निकल रहे हैं आप गालिब पर बात कर रहे थे पल्ला कहां से आ गई गालिब के हम पल्ला शायर कोई भी नहीं था मोना डार्लिंग ग़ालिब के हम पल्ला और भी शायर थे मगर पता नहीं क्यों जाहिल ग़ालिब को नंबर वन शायर कहते हैं तुम मुझे उसका कोई शेर सुनाओ मैं तुम्हें उसका मतलब बताऊंगा रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं क़ायल जरा आहिस्ता दौड़ो मोना डार्लिंग रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं क़ायल जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है वाह गालिब की बेगम को तो तुम जानते हो गए जी नहीं जमील अली की फर्स्ट कजन थी हम मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ शेर क्या था रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल जब ही से न टपका तो फिर लहू क्या है बिल्कुल सादा से माने हैं एक शाम का जिक्र है साढ़े सात बज रहे थे गालिब गारी में थे आंख में तकलीफ हो गई बेगम आई ड्रॉप्स डाल रही थी जैसे ही आई ड्रॉप्स डाल रही थी गालिब को आ गई बेगम चीखी, मिर्जा, क्या हो गया है? तुम्हारी आंख में खून उतर आया है जानते हो मोना डार्लिंग गालिब ने क्या कहा गालिब ने कहा कि लहू का काम सिर्फ रगों में ही मटरगश करना नहीं है आंख में भी आ जाना चाहिए इसी बात पे उन्होंने यह कहा जो तुम कह रहे हो ना कोई मकसद है ना कोई फलसफा शेर क्या था रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल जब ही से न टपका तो फिर लहू क्या है मकसद मैं बयान कर चुका हूं अगला शेर सुनाइए आप कह रहे हैं अगला शेर मेरी समझ में तो पिछले ही नहीं आया खैर मोहब्बत थी चबन से लेकिन अब यह बेदिमागी है के मौजे बुए गुल से नाक में आता है दम मेरा तुम मुझे बताओ तुम्हारी समझ में इस शेर का क्या मतलब आया चले मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझसे पूछ रहे पुराने जमाने को याद कर रहे हैं मिर्जा जब उनको चमन की सैर अच्छी लगती थी मगर अब परेशानियों ने यह हाल कर दिया है कि चमन की बात तो रहने दे अब तो जो हवा के साथ फूलों की खुशबू आती है वो भी मिर्जा की जान पे बन जाती है यकीन तुमने जोश मलसियानी को पढ़ा होगा इस शेर का यह मतलब हरगिज नहीं है शेर क्या था मोहब्बत थी चबन से लेकिन अब ये बेदिमागी है कि मौजे बुए गुल से नात में आता है दम मेरा अब इस शेर में गालिब को छोड़ दो मेरी मिसाल ले लो मोना डार्लिंग बरसों से मैं गटर बागीचे के साथ रहता हूँ रोजाना मैं जब वो बागीचा था तो सैर के लिए जाया करता था मगर जब से वो गटर बागीचा बना है मैंने जो सैर है डिसकंटिन्यू कर दी उसकी वजह यह है कि अब मुझे वहां से मोतिया की नहीं मोतिया की बू आती है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ इसलिए मैंने सैर को जाना छोड़ दिया गालिब के साथ भी यही हुआ होगा मोना डार्लिंग वो किसी चमन में सैर के लिए जाते होंगे और दूसरे किसी और वजह से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ याद रखना जब मौजे सभा चलती होगी तो गालिब की नाक में बुआती होगी जो गालिब का नाक में दम कर देती होगी इतने सिंपल शेर को मनहूसों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया अगला शेर क्या है मोना डार्लिंग दिल तुझे हुआ क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है यह शेर जो था यह किताबत की गलती की वजह से मशहूर हुआ पूछो क्यों क्यों मिर्जा ने एक दफा मेहदी मजरू को एक खत लिखा था असल में पोस्टल डिसऑर्डर की वजह से उस जमाने में टेलीग्राम सर्विस बहुत ही आहिस्ता थी वो कहीं और पहुंच गया खत उसी खत में मिर्जा ने इस शेर की वजह लिखी थी क्या गलती थी इसमें? तुम तो जानते हो कि मिर्जा के कोई औलाद नहीं थी मोना डार्लिंग अगर यकीन नहीं है तो किसी से कन्फर्म कर लो मुझे मिर्जा नहीं थी। है एक शाम का जिक्र है कि गालिब की बेगम के दर्द हुआ उन्होंने कहा गालिब दर्द हो रहा है मिर्जा नजदीक आया और सरगोशी में कहने लगे डार्लिंग कोई खुशखबरी गालिब की बेगम ने कहा एमिया बावले हुए हो क्या वहीं पे ये शेर हुआ दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की वजह क्या है किताबत की गलती की वजह से वजह की जगह पे तवा लिख दिया गया अगला इसी का शेर है मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है अब मैं तुम्हें एक बम फाड़ रहा हूँ मोना डार्लिंग ये शेर गालिब का नहीं जौक का है मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब चीखने की जरूरत नहीं है मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है बिल्कुल ये जौक का शेर है बेशक मैंने उसकी वजह यह है मुंडा नहीं कोई और नहीं कह सकता मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ चौधरी दिलशाद हुसैन की एक किताब है उस किताब की एक ही कापी छपी थी और वो कापी मेरे पास है उसमें उन्होंने तहरीर किया था बहादुर शाह जफर ने एक दिन मशायरा मुनद किया और जौक से कहा के आप भी तशरीफ लाइए गिब भी आ रहे हैं जब जौक को पता चला कि गालिब भी आ रहे हैं तो जानते हैं उसने क्या कहा बहादुर शाह जफर से कहा बादशाह जी मैंने जाना जौक ने बहादुर शाह जफर से कहा बादशाह जी मैंने जाना इसलिए कि उनकी चौधरी दिलशाद हुसैन से बहुत गहरी दोस्ती थी ये वजह थी अच्छा गालिब तो उस मशायरे में जब आ रहे थे तो बिला मुआवजा बादशाह ने कोई पेमेंट नहीं करनी थी गालिब को लेकिन उन्होंने जौक से कहा कि आप आइए आपको पैसे मिलेंगे तो उन्होंने कहा मैंने आना अगला शेर तुम्हें समझ में नहीं आया बगौल आपके जौक का शेर है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है ये जौक ने बादशाह से कहा कि मैंने जाना बिल्कुल उन्होंने कहा जब बादशाह ने मैंने से कहा जाना कि मैं आपको मुआवजा दूंगा गालिब तो तो फ्री में मुशायरा बिल्कुल सही तो उन्होंने कहा कि बुलाने गालिब को मैंने नहीं जाना तशरी क्यों कर रहे हो माने तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिए हैं मैं पी एच डी हूँ गालिब पे जो कहा सो कहा मोना डार्लिंग अगला मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है तो बुरा क्या है मैंने जाना ने से कहा कितनी दफा पूछोगे और किसने कहा मैंने कहा या तुमने कहा किसी ने नहीं कहा जो बात है वो मैंने कही कुछ टेंशन में लग रहे हो काले पर आपसे बातचीत होती रहेगी मिलते हैं जौक के बाद सब कहा वहां मैं शेर सुना रहा हूं मैं समझा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सब कहा मैंने कहा वहां सब कहा कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई एक ही मिसरा जो है पूरे शेर का मतलब समझने के लिए काफी है मैं तुमको एक बात बताता हूं मिर्जा चौधरी बेगम के घर पर गाना सुनने जाया करते थे उनका एक पठान चौकीदार था जिसका नाम था लाला गुल एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था कुल खान और खान को प्यार से लाला कहते हैं गालिब वहां पहुंचे और जाके उन्होंने पूछा लाला गुल सब कहाँ हैं ओ हो हो अभी ये बात हो ही रही थी कि मिर्जा ने क्या देखा कि चौधवी बेगम तांगे में से अपनी सहेलियों के साथ में नुमाया हो रही है अचानक मोना डार्लिंग घोड़ा भी दग गया और भागा चौधरी बेगम बल खा के लहरा के जमीन पे गिरी तमाम खाक उनके चेहरे के ऊपर लग गई वही पे जमीन पे बैठे उन्होंने उनके चेहरे से खाक साफ की और ये शेर हुआ कौन सा सब कहां कुछ गुल में नुमाया हो गई इस शेर खाक में क्या सूरतें होंगी बिल्कुल इस शेर का मतलब मुख्तलिफ शायरों ने मुख्तलिफ निकाले हैं लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो बात मैंने बताई है ये बिल्कुल सही है लाल वो गुल उनका चौकीदार था अगला नक्श को उसके मश्विर पर भी क्या क्या नाज है नक्श को उसके मश्र पर भी क्या क्या नाज है खींचता है जिस क़दर उतना ही खींचता जाए ये बात बड़ी पुरानी है हुआ यह कि गालिब एक मशायरे में थे किसी बदबक़् ने गालिब को खाने में चिविंगम दे दिया था जब उन्होंने चिवंगम मुँह से निकाला तो वो खींचता चला गया उस पर गालिब ने यह शेर कहा खींचता है जिसका दर उतना है खींचता जाए कि हाँ आप मुझे सही मतलब बताएं इसका क्या इसके कई मतलब है एक और किस्सा भी है यह बड़ा पर्सनल किस्सा है जो सिर्फ मुझे मालूम है गालिब के एक दोस्त बलोचिस्तान में रहते थे उन्होंने एक बलोची शलवार कमीज उनको तोहफे में भेजी अब क्या हुआ कि गालिब पार्टी में जा रहे थे और उन्होंने वही बलोची शलवार कुर्ता पहन लिया जैसी पहनने की शलवार कोशिश की तो इजारबंद नेफे में चला गया अब उन्होंने जो खेचना शुरू किया तो कमरे में इजार बंद का एक ढेर लग गया इजार बंद खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था पार्टी खत्म हो गई मिर्जा का इजार बंद खत्म नहीं हुआ थक हार कर पजामा पहन के वो सो रहे ये इतनी पर्सनल बात मेरे अलावा मोना डार्लिंग किसी को नहीं मालूम होगी उस पर उन्होंने ये शेर कहा नक्श को उसके मुसविर पर भी क्या क्या नाज है खींचता है जिस कदर उतना ही खींचता जाए बिल्कुल सही अगला ये शेर बिरची शलवार के, हाँ। के बारे में जी हाँ कमरबंद के बारे में जी हाँ अगला शेर सुनाइए कौन सा शेर मैं आपसे सुनाऊ क्या मतलब पूछू आपने तो बिल्कुल पागल ही कर दिया मुझे कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आजादी हुई जंजीर मौजे आपको फुर्सत रवानी की हवा मोना डार्लिंग क्या शेर सुनाया है दोबारा पढ़ो कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आज़ादी हुई जंजीर मौजे आपको फुर्सत रवानी की वाह वाह क्या शेर निकाला है बहुत पुराना शेर है वाह वाह वा, वा। बहुत अच्छे शेर फिर से सुनाना कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आज़ादी हुई जंजीर मौजे आपको फुर्सत रवानी की अब देखो बहुत पुराना शेर है मैं तुम्हें बताता हूँ ये गालिब का वाहिद शेर था जो गालिब ने लिख के इसका मकसद दूसरों से पूछते फिरते थे अब तुम ही मुझे बताओ मोना डार्लिंग कितनी बुरी बात होगी कि गालिब जिसका मतलब दूसरों से पूछते फिर रहे हैं मैं वो मतलब तुम्हें बताऊं। हाँ गालिब अगर ज़िंदा होते तो मैं उनको बताता क्या समझे अगला गालिब पर जारी है मिलते हैं किसी के पिटने के बाद अगला हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती यह मीडिया का शेर है दरअसल जिस तरह कराची वालों को अपनी खबरें सुनने के लिए बीबीसी लगाना पड़ता है उसी तरह उस जमाने में दिल्ली वालों को खबरें सुनने के लिए लखनऊ लगाना पड़ता था अगला कहूं किससे मैं कि क्या है

गुजर गई मोना डार्लिंग वहीं बैठे रहे और जाते हुए उन्होंने एक कागज पे अंग्रेज को यह शेर लिख दिया कौन सा कहूं किससे के क्या है शबे गम बुरी बला है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता यहाँ पर जो लफ्ज बार इस्तेमाल हुआ है वो अंग्रेजी का है अगला हासिल से हाथ धो बैठ, दिल हो गिरिया से है डूबी हुई असामी, हुआ। इस शेर का मतलब तुम बताओ चले आप मुझे डूबी हुई असामी का मतलब बताओ मुझे तो मालूम है जब मुझे एक चीज मालूम है तो उसको बता के प्रोग्राम का टाइम साया करने का क्या फायदा मोना डार्लिंग तुम बताओ तुम बताओ, बताओ। बुजुर्गों से बदतमीजी का टोन तमीज से बात करो डुबी से बुरा है मकरूज से मतलब कर्जा ना मिलने की उम्मीद जिससे वापिस ना मिलने की उम्मीद हो कितनी बुरी बात है जब तुझे इसका मतलब मालूम था तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है आरज़ू खरामी का मतलब बताएं मुझे मालूम है तुम बताओ तुम बताओ अबे बुजुर्गों के साथ में बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती तुम खुद एक बुजुर्ग हो और दूसरे बुजुर्ग से बदतमीजी कर रहे हो मुझे मालूम है असल में बात पता है क्या है कि हम दोनों एक दूसरे का इम्तिहान ले रहे हैं ये चीटिंग है अगला आरजू खरामी का मतलब है आरज़ू को लिए हुए इधर उधर फिरना जब मालूम है तो मुझसे पूछ टाइम क्यों जाया कर रहे हो अगला गालिब को आज तक मैंने इस तरह नहीं पढ़ा उनके शेरों का मतलब आज तक मैंने इस तरह नहीं सुना अरे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अगले प्रोग्राम में तुम जौक पे बात करना अगर मैंने लोगों की चीखें ना निकलवा दी तो मेरा नाम बदल देना मैं माफी चाहता हूँ तो वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। अगर प्रोग्राम का कॉम्पेयर अच्छा होता तो यह रीटेलीकास्ट होता मुझे मालूम है इस जमीन में गालिब के करोड़ों मद्दा हैं मैं उनसे शर्मिंदा हूं कि वो गालिब को नहीं जानते आप मुझे बात करने दें प्लीज करें पढ़ा कहा है आपने गालिब पे पीएचडी किया है मैंने छोड़ दे उसको। गालिब को मैं जानता हूं और तुम कह रहे हो लोगों से माफी चाहते हो बिल्कुल तुम्हें माफी मांगना चाहिए मोना डार्लिंग इसलिए कि गालिब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कट कर को लूट करो प्रोग्राम को मोना इजाजत दीजिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते वैसे मोना मकसूद मुझे एक बात बताओ तुम्हें यह प्रोग्राम करके कैसा लगा तुम कुछ तप रहे हो खुदा हाफिज कह दो खुदा हाफिज